हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा केपमा का एक नया अकूस्टिक गिटार। यहाँ पे है मेरे पास केपमा का EDC जो कि प्रीमियम रेंज का अकूस्टिक गिटार है। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में कि क्या क्या प्रीमियम एडिशंस की है केपमा ने इस गिटार में, और इसके अलावा इस गिटार का साउंड चेक भी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने रिव्यू करे थे केपमा के एंट्री लेवल अकूस्टिक गिटार्स केपमा D1CE और केपमा A1C, जो कि काफ़ी अच्छे और वैल्यू फॉर मनी अकूस्टिक गिटार्स थे। लेकिन रिसेंटली केपमा ने थोड़ा सा इन गिटार्स को, या ये जो रेंज है D1C और A1C, इनको अपग्रेड किया और एक और नई सीरीज इंट्रोड्यूस की। तो यहाँ पे जो है ये नई सीरीज, ये है केपमा का EDC जो कि एक ड्रेडनॉट कटअवे अकूस्टिक गिटार है। इसके अलावा ESE भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि है केपमा का 40 इंचेस का ग्रैंड ऑडिटोरियम डिजाइन। और इसके अलावा केपमा ने इंट्रोड्यूस किया एक 36 इंचेस का ट्रेवल साइज अकूस्टिक गिटार जिसका मॉडल है केपमा ES36। स्पेक्स की बात करें तो ये गिटार बने हैं प्रीमियम लैमिनेटेड टोन वुड से। जो टॉप है वो बना है लैमिनेटेड सिटका स्प्रूस का, और जो बैक एंड साइड्स है वो बनी है महोगनी वुड की। ओवरऑल जो बेनिफिट है वो है कि इन प्रीमियम टोन वुड से आपको बेटर साउंडिंग गिटार भी मिलता है और ओवरऑल एक काफी प्रीमियम लुक भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इन गिटार्स में आपको मिल जाता है एक महोगनी नेक, और यहाँ पे जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो है रोजवुड के। अब जैसे कि आप जानते हैं, या अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से जो ब्रांड्स हैं, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि यामा हो गया, आपका कॉर्ट हो गया, फेंडर हो गया, आइबनेज हो गया, तो जो उनके जो 10 से 20,000 रुपए के गिटार्स हैं, या इवन 25-30,000 के प्राइस रेंज के भी जो अकूस्टिक गिटार्स हैं, उनमें जो है वो फ्रेटबोर्ड में रोजवुड ना यूज़ करके अब उसके अल्टरनेटिव्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पर्पल हार्ट हो गया, नैंडो वुड हो गया, इसके अलावा आपको जटोवा वुड देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि रोजवुड पे अब रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है और ओवरऑल जो कंपनीज हैं वो सारे हायर एंड गिटार्स पे जो है रोजवुड को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन समहाउ केपमा एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी भी अपने इवन जो एंट्री लेवल गिटार्स है उस पर भी रोजवुड यूज़ कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि रोजवुड सालों से जो है एक काफ़ी आइडियल चॉइस रही है अकूस्टिक गिटार्स के लिए। और जो है इवन सस्ते गिटार्स पे भी एक टाइम होता था जब आपको रोजवुड देखने को मिल जाती थी, लेकिन फिलहाल अभी करंटली जो है मैं देख रहा हूँ कि जो केपमा है इस रेंज में भी, जो 10 से 15,000 की रेंज है, उसमें भी रोजवुड का यूज कर रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। फिनिश की बात करें तो ये गिटार आपको मिल जाते हैं सैटिन फिनिश में। इसके अलावा इसमें आपको करंटली दो कलर्स देखने को मिल जाएंगे, एक तो है नेचुरल कलर जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसके अलावा एक सनबर्स्ट कलर का भी ऑप्शन है। इस सीरीज का जो इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट है उसमें आपको एक 3-बैंड इक्वलाइजर पिकअप मिल जाता है, इसके अलावा आपको एक प्रेजेंस और फेज नॉब भी मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको एक काफ़ी अच्छा इनबिल्ट ट्यूनर मिल जाता है। इस पिकअप की जो खास बात है वो है कि ये सेम फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होती है जहाँ पे फिशमैन की पिकअप्स मैन्युफैक्चर होती है चाइना में। अब बात करें क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं केपमा D1C A1C और इस नई सीरीज में। तो जो पुरानी सीरीज थी उसमें आपको स्प्रूस टॉप तो मिल जाता है लेकिन बैक एंड साइड्स डुअल लेयर्ड थी। अंदर की तरफ केपमा ने यूज किया था सेपेले वुड जो कि एक इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव है महोगनी वुड का, और बाहर की तरफ यूज किया था अगातिस वुड, और यहाँ पे केपमा ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करके डायरेक्टली बैक एंड साइड्स में महोगनी वुड यूज की है जो कि काफी इफेक्ट करती है टोन को। तो ओवरऑल अगर आप दोनों की साउंड को भी कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ी बेटर साउंड मिलेगी, थोड़ी इंप्रूव साउंड मिलेगी इस नई सीरीज में। तो हार्डवेयर भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है केपमा ने इस नई सीरीज में। ऑल्दो पुरानी सीरीज में भी काफी अच्छे क्वालिटी के डायकास्ट ट्यूनिंग कीज लगे हुए थे, लेकिन केपमा ने इस सीरीज में और थोड़े बेटर क्वालिटी के डायकास्ट ट्यूनिंग कीज यूज किए हैं। प्राइस की बात करें तो जो सिंपल वेरिएंट है केपमा EDC, ESE और ES36 का, वो आपको मिल जाएगा करीब 12,500 रुपए का, और इसी का इलेक्ट्रोकूस्टिक वर्जन आपको मिल जाएगा करीब 15,500 रुपए का। लेकिन इस नई सीरीज पे आप एक ऑफर अवेल कर सकते हैं procraftindia.com से। अगर आप केपमा EDC, ESE या ES36 का चाहे प्लेन वेरिएंट ले या इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट ले, उस पर आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड TGC15, तो इससे आपको काफी अच्छी डील मिल जाएगी इस नई सीरीज पे। तो चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं।
तो इस गिटार की साउंड में डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट सुनने को मिलेगी क्योंकि इसमें प्रीमियम टोन वुड्स यूज की गई हैं, तो इसमें आपको ओवरऑल अच्छा वॉल्यूम तो मिलता ही है, इवन जो बेस रिस्पॉन्स है वो भी काफी इंप्रूव्ड है। तो आप लोगों को ये अकूस्टिक गिटार कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।